दोस्तों, तो इस वक्त मैं अश्क मुकाम पे पहुंच चुका हूं और मैं अभी हज़रत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने के लिए निकला हूं। अब यहां से कहते हैं यहां के मुकामी लोग के 270 सीढ़ियां चढ़नी हैं मुझे, तो यहीं से अब इन सीढ़ियों के ज़रिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सीढ़ी चढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले हमें यहाँ की लोकल मुकामी दुकानें नज़र आई। देखिए, आने जाने के रास्ते पर बर्फ साफ की जा रही है। दरगाह पर पहुंच रहे हैं ज़ियारत शरीफ हज़रत सखीउद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। लंगर के लिए लंगर सके बाबा का लंगर नजराना तो डालो। यहाँ पे इनके ताल्लुक से कुछ फरमाएंगे? इनके कहाँ से फरमाएंगे? अच्छा, ये बंद रखो, यहाँ अलाउड नहीं है कैमरा। जी एक मिनट। हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इस गुफा के अंदर है। आपकी मज़ार पाक यहीं पर है। और पता है आप लोगों को, अंदर जो साहिब नशीन थे उन्होंने मुझे क्या कहा कि बुज़ुर्गान दीन सुफियान कराम का यही पैगाम रहता है कि हमेशा इस दुनिया में अमन व अमान, लोग प्यार मोहब्बत भाईचारगी के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुश व खुर्रम रहे। ये जो पैगाम है हर जगह का, हर कश्मीरी का यही पैगाम है। क्यों चाचा, बराबर कह रहा हूँ? यही पैगाम है जी। यहाँ पे इबादत होती है? मालिशो,
चाचा ये मस्जिद है ये? अच्छा तो यहाँ पे खाली इबादत की जगह है? खाली इबादत की जगह। अच्छा हम लोग अभी उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बजरंगी भाईजान की कवाली वाली जो शूट हुई थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। वो जगह है इस जगह पर कवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद की शूटिंग हुई थी। इस गांव को कहते हैं अश्क मुकाम। देखिए ये अश्क मुकाम की मस्जिद हजरत जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में है और इनकी क्या तारीख है, इनके क्या फैज़ व बरकात है, इनके क्या करामात है, वो हमें यहाँ की मुकामी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं ये हमें बताएंगे। हज़रत इनके फैज़ व बरकात और करामात के बारे में बताइए आवाम को। सबसे पहले आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएं जी कि कश्मीर जो है इसको कश्मीरी में कहते हैं पिरवर। हाँ जी। और पिरवर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर पीर हजरात रहते हों। ओह सुभान अल्लाह क्या बात है। तो इसमें जो है अवलिया बहुत सारे हैं जो आपको मुख्तलिफ इलाकाजात में मिलेंगे। जी जी जी। उन्हीं मायानाज शख्सियात में से एक हजरत सखी जैनुद्दीन वली। सुभान अल्लाह। ये जो है असल में गैर मुस्लिम थे। अच्छा। इनका ताल्लुक राजपूत ख़ानदान से था। अच्छा। इनका आबाई कस्बा या शहर की कह लीजिए कश्तवाड़ है। कश्तवाड़। अच्छा। वहाँ पलमड़ इलाके में रहते थे। अच्छा। इनके बाप वहाँ के बहुत बड़े राजाओं में से एक राजा थे। अच्छा। चूँकि इनकी पैदाइश से पहले ही उनकी जो है वफात हो गई। अच्छा। उसके बाद इनकी परवरिश इनकी माँ ने की और विलादत के बाद जब छोटे ही थे ये बीमार हो जाते थे अक्सर। अच्छा। एक दफ़ा उसने देखा कि उसे एक ख्वाब में एक शख्स मिले। जी जी। हाँ हाँ। तो उनने क्या किया काम के, उन्होंने कहा इनकी वालिदा से कि आप जो है बच्चा जो आपका बीमार रहता है अक्सर आप मेरे साथ वादा करें इसको कश्मीर ले आएँ। अच्छा। तो ये ठीक हो जाएगा। जब वो सुबह को बेदार हुई तो बच्चा ठीक था जो कि उससे पहले सख्त ही बीमार और अलालत की हालत में था। सुबह को ऐसा हुआ कि जब इसे ठीक हुआ बच्चा तो अब ये सोच रही थी मैंने ख्वाब में देखा है। ख्वाब की बात पर हम अक्सर उतना यकीन नहीं करते जी। काफ़ी अर्सा बीत जाने के बाद फिर बच्चा बीमार हो जी। तो फिर वही हज़रत जो इन्हें ख्वाब में दिखाई दिए थे वो ज़ाहिरन इनके पास आए और कहा कि आपसे मैंने कहा नहीं था इनको कश्मीर ले आना जी। कहा कि हज़रत अब की बार अगर ये ठीक हो जाएं तो मैं किसी भी सूरत इनको जो है कश्मीर ले आऊँगी। चुनाचे ये ठीक हो गए और फिर वहाँ से वो रुखसत हुए अपने माँ अहल वयाल के। यहाँ जो पहलगाम का रोड है इस रोड पर एक जगह है उसको बमजू कहते हैं। अच्छा। मटन के थोड़ा आगे वहाँ पर एक ज़ियारत मिलेगी बाबा बिया बामुद्दीन। अच्छा। और बामुद्दीन साहब ने इनकी सबसे पहले तरबियत की। अच्छा। जो जिन हजरत के ये शागिर्द रहे या जिनके खलीफा थे उन्हें हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अच्छा। उनका मज़ार बाबा रेशी वहाँ गुलमर्ग साइड में है। अच्छा। तो उसके बाद जो है ये उनकी तरबियत में रहे काफ़ी अरसे तक और जब ये इनकी रूहानी फरागत हो गई उनके पास तो उनसे रुख्सत चाहिए और ये कहा कि मुझे वो जगह बताएं जहाँ पे मैं आपके बाद की ज़िंदगी गुजारूँ। जी। जगह ऐसी होनी चाहिए जो आग से जल ना सके। ओह। जगह ऐसी होनी चाहिए जिसे पानी डुबो ना सके। ओह। जगह ऐसी होनी चाहिए जिसको हवा उड़ा ना सके। ओह। अब ये शर्त जब सुने तो हज़रत ने कहा ऐसी कोई जगह तो है नहीं। तो एक खलीफा ने कहा कि एक
गार है, गुफा है एक, और वो पहलगाम के करीब ऐश मुकाम एक जगह है, वहाँ पहाड़ी पर है। अच्छा। तो हज़रत ने थोड़ी बहुत देर सोचने के बाद कहा, वो गार जिसमें सांप बिच्छू रहते हैं, क्या रह सकोगे उस गार में? तो हज़रत ने कहा, हम जाएंगे देखेंगे। तो फिर हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली कुछ अशखास के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा। आपने अंदर से देखा होगा इस गार को, ये गार ऑटोमेटिकली बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं। अच्छा। अब जो है इसमें जो नीचे काम किया गया है उसमें मार्बल वगैरह लगा दिया गया है, ये बाद में हुआ है, वरना पहले ये बिल्कुल सीधी सादी एक गार थी, गुफा थी। तवारीख जो सखी ज़ैनुद्दीन वली की है उसमें लिखा हुआ है इस्लामे में कि जब हज़रत यहाँ आए तो इन्होंने देखा कि इसमें तो बिच्छू वगैरह कम थे, सांप ज़्यादा थे इस गार। अच्छा। और इनकी विलायत की एक करामत उस वक्त ज़ाहिर हुई जब एक सांप उन तमाम सांपों में से रेंगता हुआ इनके पास आया। अच्छा। और पास आने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जा रहे हो या मैं इन सांपों को ख़बर कर दूँ तो आपकी अभी हड्डियाँ यहाँ पड़ी हुई होंगी। अच्छा। तो हज़रत ने ये बात सुनी जब, तो इसने अपने एक साथी को भेजा कि आप पीर साहब के पास जाएं, मुर्शिद कामिल के पास जाएं, उनसे ये माजरा बता दें। चुनाचे उसने वहाँ जाकर कहा तो हज़रत ने इनके पीर साहब ने इन्हें एक आसा दिया, छड़ी जो होती है ना हाथ में, वो आसा दिया कि ये ले जाओ और उस गार के सामने डाल दो। तवारीख में लिखा है कि उस आसा जब यहाँ गार के सामने नीचे फेंक दिया गया तो आसे ने उस टाइम सांप की सी सूरत इख्तियार की और मुंह खोल के उनकी उन सांपों की ओर बढ़ने लगा। तो सांप यहाँ से भागने लगे तो इनने अपने साथियों से कहा इनको फौरन जमा करो जी। और जमा करने के बाद इनको उठाओ और यहाँ आपको निकलते समय पीछे एक पहाड़ नज़र आएगा, उस पहाड़ से पीछे एक जगह उनको डाल दिया गया, उस जगह का नाम पोहर पजन है। अच्छा। उसके बाद हज़रत ने यहाँ काफ़ी तवील अरसे तक यहाँ इसी गार में इबादत की जी, अल्लाह ताला की बंदगी की और इसी में हज़रत मदफून भी। ओ सुभान जी। यह है मुख्तसर इनका तार। तो दोस्तों नाज़रीन, आपने देखा कि हज़रत सखी रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनको सखी इनका लकब है, तो कितनी इनकी जो तारीख़ है, जो हम जैसे हम महाराष्ट्र बम्बई में रहते हैं लेकिन हम सिर्फ इसी बात से जानते हैं कि यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, लेकिन जो इनकी असल तारीख़ है, जिस वजह से ये मशहूर है, इनके जो फैज़ बढ़ते हैं, इनकी जो बरकत बढ़ते हैं, इनसे लोग मुस्तफ़िज़ होते, वो नहीं जानते थे, लेकिन आज हमें इमाम साहब की बदौलत हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इनकी वजह से हमें इनकी जो असल तारीख़ है वो हमें पता चली। मैं आपका बहुत बहुत अपने नाज़रीन की तरफ से भी शुक्र अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और आपकी बातें सुन करके हमारा दिल एकदम हमारा दिल बाग बाग हो गया। और यही हमारे इस मुल्क के सूफिया इकराम की असल तालीम भी है कि प्यार मोहब्बत अमन व अमान से हम यहाँ पर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हज़रत की तारीख और यहाँ का पुरसकून और रूहानी माहौल। ये देखिए ऊपर जो मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, किस कदर इबादत करने के लिए इस तरह के नूरानी और रूहानी माहौल के अंदर इंसान लुत्फ अंदोज होता होगा। जब से कश्मीर आया हूँ बहुत जगह मैं यहाँ पे घूमा, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से कल्ब मेरा एकदम ही कल्ब से कल्ब जुड़ गया है। यकीनन यहाँ पे मैंने ज़्यारत की है, अब यहाँ से मैं अपनी होटल के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यकीन जानिए
दिल बड़ा अफसरदा है क्योंकि मैं चाहूँगा कि मुझे हज़रत की तरफ से मुझे ये तौफीक मिले कि मैं बार बार यहाँ पर अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने अहलो आयाल के साथ दोबारा यहाँ पे आते रहूँ। तो इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग को है यहीं पे भारी मन के साथ ख़त्म करता हूँ। फिर नई जगह पर दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।